मेरे बच्चे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यदि कुछ कम सुविधाएं भी तुम्हें प्राप्त हों तो तुम खुश रह सकते हो, लेकिन यदि तुम्हें शरीर से कष्ट है, क्या तुम्हारा जीवन में मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है? तुम्हें तो निश्चित ही तुम खुश नहीं रहोगे। इसके साथ ही यदि तुमको पीड़ा होने से तुम्हारी जीवन पर कहीं कहीं बहुत प्रभाव पड़ता है, ना चाहकर भी पीड़ा से गुजर रहे हो, मैं उसे भली भांति जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम उस पीड़ा से कैसे निकल सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमको जीवन में जब भी कोई पीड़ा से निकल सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम निकलना चाहते ही नहीं हो। तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे कि तुमको पीड़ा से निकलने में तुम्हें सहायता हो। पीड़ा से निकलने में सहायता होगी, क्योंकि जब तुम्हारे शरीर में पीड़ा होती है और किसी भी कार्य में आलस्य करना शारीरिक पीड़ा को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यदि तुम कोई कार्य करने में आलस्य की हद पार हो जाए, मिल रहे शारीरिक पीड़ा मिलेगी अवश्य। यदि तुम्हें जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो तुम जीवन में समस्याओं को लेकर खुद को घेर लेते हो। समस्याओं से निकलने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उसी समस्या के बारे में पूरा दिन सोचने में गुजार देते हो। तुम उस पीड़ा को एक तरफ अपने मन के किसी कोने में रखो और उससे निकलने का अथक प्रयास करो। अपने आप को खुश महसूस करो और अपने मस्तिष्क में इस बात को विद्यमान कर लो कि तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है।